बड़ी खबर रीवा से है, जहां मारपीट करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि उक्त आरोपियों के द्वारा एक युवक का अपहरण कर उसे निर्वस्त्र करते हुए जमकर डंडे बरसाए थे। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद वीडियो भी वायरल कर दिया था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस साइबर की मदद से पीड़ित और आरोपियों की तलाश की, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपहरण, जान से मारने की धमकी, आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी युवक का अपहरण कर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर के पास कुबेर तालाब ले आए थे, जहां युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किया था। युवक की पहचान अमन गुप्ता निवासी रघुनाथगंज थाना लौर के रूप में हुई है, जबकि मारपीट करने वाले आरोपियों में किरण दुबे, धीरेन्द्र सिंह धीरू, आमिर खान और अन्य शामिल है। फिलहाल विश्वविद्यालय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने युवक का अपहरण किया था और उसके ऊपर मारपीट करते हुए निर्वस्त्र कर दिया था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में आमिर खान, धीरेन्द्र सिंह, किरण दुबे और एक अन्य शामिल है।